एक तो ये है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, और एक ये है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। भीड़ बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, और बहुत दूर दूर से यहाँ पे पेशेंट को लेकर के व्यक्ति लोग दिखाने के लिए आते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? भगवान से मनाते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, कृष्णा रिंकी ब्लॉग में आज आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और अभी सुबह सुबह का 6:30 बज रहा है दोस्तों, और आप लोग देख पा रहे होंगे हम कहीं जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। और अभी रिंकी जी सत्तू घोर रही थी, यहाँ पर सत्तू घोर करके रखी है। और आप लोगों को बता रहे दोस्तों, मम्मी का तबीयत खराब चलता है, इसीलिए आज माँ को कहीं लेकर के जा रहे हैं हम लोग। और अभी माँ रेडी हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। और माँ यहाँ पर रेडी हो करके और जा रही है, अभी गाड़ी आगे आकर के बैठा हुआ है, गाड़ी लगा हुआ है। और माँ को लेकर के थोड़ा एम्स जा रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और माँ को थोड़ा तकलीफ है जाने में, तो और दर्द बहुत ज़्यादा रहता है दोस्तों शरीर में, प्लस में शुगर का भी प्रॉब्लम है, उसके बाद सूजन का भी प्रॉब्लम है, बीपी का भी प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो आज थोड़ा सा एम्स माँ को लेकर के जा रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। और गाड़ी आ चुका है दोस्तों, बस दोस्त ही गाड़ी लेकर के आया, बगल का ही दोस्त राजू। और माँ यहाँ पर बैठी हुई है, बैठ जीवन, बैठ जीवन घड़िया। तो ऑलरेडी हम लोग अभी बूढ़े पहुंच चुके हैं दोस्तों, और अभी आप लोगों को दिखाएंगे, यहीं पर है बूढ़ेश्वरी माता का जो मंदिर है, आप लोगों को दिखाएंगे हम। और माँ अभी रुकी हुई है, थोड़ा सा चाय पिएगी अभी। तो ये है दोस्तों बूढ़ेश्वरी मंदिर, आप लोग देख सकते हैं, अभी जूम करके दिखा रहे हैं, हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। और वो जो पहाड़ आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, वही है बूढ़ेश्वरी माता का मंदिर। तो ऑलरेडी हम लोग एम्स पहुंच चुके हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और अभी माँ गाड़ी से उतर रही है। भीड़ यहाँ का देख सकते हैं, भीड़ कितना भीड़ है। हमारा एक दोस्त भी आया है, वो जो मोबाइल चला रहा है, चंदन कुमार तिवारी, वो भी अपने सास को लेकर के आया। भीड़ बहुत जबरदस्त है, और बहुत दूर दूर से यहाँ पे पेशेंट को लेकर के व्यक्ति लोग दिखाने के लिए आते हैं। रजिस्ट्रेशन तो करवा लिए हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं। और अभी हमको जाना है डी ब्लॉक 4th फ्लोर पे, तो माँ यहाँ पे बैठी हुई है इसको लेकर के, और लिफ्ट से जाना है, क्योंकि माँ चल तो नहीं पाती है। तो हम लोग ऑलरेडी लिफ्ट में चढ़ चुके हैं, और माँ का हालत तो एकदम ख़राब है, पहुँचते हैं डॉक्टर के पास। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग 4th फ्लोर में हम लोग पहुँच चुके हैं, और अभी यहाँ पे 3 घंटा वेट करना है दोस्तों। माँ और हम अभी बैठे हुए हैं, और आप लोगों को इधर दिखाते हैं कितना सारा अभी भीड़ लगा हुआ है यहाँ पर, हम लोग देख सकते हैं सामने में लाइन लगा हुआ है। और अभी लगभग 3 घंटा वेट हम लोगों को यहाँ पे करना पड़ेगा दिखाने के लिए डॉक्टर साहब से। सर नीचे का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कितना ऊपर है, बहुत दूर में ये एम्स फैला हुआ है, और चारों तरफ बिल्डिंग बना हुआ है। इधर से भी देख सकते हैं दोस्तों,
ये एम्स का बिल्डिंग है और ये नीचे का वो जो मेन रोड है, हम लोग उसी रोड से अभी आए हैं और वहाँ से एंट्री किए हैं दोस्तों, वहाँ से एंट्री किए हैं हम लोग। और अभी लाइन में लगे हैं दोस्तों दवा लेने के लिए, लाइन भी आप लोग देख सकते हैं। और आरोग्य धाम में यहीं पर डाली 9 बजे से लेकर अभी तक लाइन में सब लगा हुआ है। अभी हम लोग फिलहाल एम्स से आ गए हैं सदर अस्पताल देवघर, और यहाँ ला करके माँ का सबसे पहले तो एक्सरे लिखा था, स्पाइन एक्सरे, मतलब जो रीढ़ का हड्डी होता है उसका एक्सरे करने के लिए बोला था। तो अभी यहाँ पर एक दोस्त है मेरा सदर अस्पताल में, तो उन्हीं को फ़ोन किए, वो बोले कि ठीक है यहाँ ले आइए। वहाँ चूँकि एम्स में भी एक्सरे नहीं हो रहा था तो किसी कारण बस मशीन काम नहीं कर रहा था या उसमें स्टाफ नहीं था, तो हमको ज़रूरी था तो ले आए यहाँ पर सदर अस्पताल। और अभी हम लोग यहाँ सदर अस्पताल में बैठे हुए हैं, माँ का एक्सरे हो चुका है, माँ भी वहाँ पर बैठी हुई है और अभी रिपोर्ट लेना है दोस्तों, देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है। और दोस्तों अभी तुरंत गाड़ी से उतर करके और मम्मी को अंदर घर में बैठा लिए हैं और हम तुरंत अभी शर्ट खोल करके टांगे हैं दोस्तों। और दिन भर इतना ज़्यादा धूप था, आप लोगों को तो रिपोर्ट भी हम नहीं दिखा पाए। ये रहा रिपोर्ट दोस्तों माँ का, जो स्पाइन का जो हम लोग एक्सरे करवाए देवघर में जाकर के, तो अभी आप लोगों को हम इसको दिखाएंगे। प्रॉब्लम तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया डॉक्टर, आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखाते हैं। एक तो ये है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये जो है रीढ़ का हड्डी का है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं बताया है, कहीं भी दिक्कत कुछ नहीं है। अब डॉक्टर भी दवा दिया है दर्द का, लेकिन दर्द देखते हैं दवा खिलाने के बाद। और एक ये है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं रीढ़ का जो हड्डी है वो बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर। और डॉक्टर भी देख करके बताया दोस्तों कि कोई दिक्कत नहीं है। वेट जो ज़्यादा है मम्मी का, वेट बहुत ज़्यादा है, वेट के चलते जो मांसपेशी है वो दर्द करता है बहुत ज़्यादा। और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, मम्मी को एलोपैथिक का दवाई सूट नहीं करता है जिसके कारण दर्द का भी टेबलेट अगर देते हैं तो अब देखते हैं, आज के बाद कल से शुरू करेंगे माँ का दवाई, तो फिर जैसा रहेगा दोस्तों आप लोगों को भी बताएंगे। और आप लोग भी थोड़ा सा सलाह दीजिएगा कि माँ को कहाँ दिखाना चाहिए। तो दोस्तों आशा है आज का वीडियो आप लोगों को जरूरी पसंद आया होगा। और माँ को जो देवघर एम्स ले गए थे, वहाँ पे हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा है, डॉक्टर भी बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, और किसी भी बीमारी को वहाँ पर दिखाया जा सकता है। बहुत ही अच्छा हमको हॉस्पिटल भी लगा। रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 30 रुपया है और जन औषधि केंद्र भी वहाँ पर है जो सस्ता में दवाई मिलता है। तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, साथ में चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।